नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 29। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उनकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वह रांड तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं, आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे ना मानो वह तुम्हारे नातेदार हो चुके, रुपये निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला यह जिद कब सुनने लगी थी। रुपये खैरात में दिए थे, बड़ी देने वाली, सूद महाजन भी लेगा तुम भी लोगी, एहसान काहे का। दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपये आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का 20 उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए, कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जात बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं मुझे क्या करना था? धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई, सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्या बेबात की बात करती है, पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा, काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मार कर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तू मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा, औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुट टुकुट देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ कि तू काटने दौड़ती है, यही सोच? धनिया ने लल्लो चप्पो करना ना सीखा था, बोली, औरत घी का घड़ा लुटका दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक
मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा। तू चल कर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छिछालेदार के लिए? क्या सोचते थे वह आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हें चीलम भर भर कर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे, फांसी इस छिछलेदार से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहां से सतवंती बनने के, जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या करेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। दो रोटी खाओ, आराम का नाम लो, जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख ना पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेड़ती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा, जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोली, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई, बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। उसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे से मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ, दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए चले आ रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आशक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है, नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकुर कर कहा, जैसी बेहाया वह है वैसी ही बेहाया वह है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे, इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है, छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से ना बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनफुसकियां करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला ही को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुख में काली लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद की गंजी कर दी।
वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊँख तो नीलाम हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उसे रुपये न मिले और ऊँख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बिठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेती की जुताई ऐसी होनी चाहिए, वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नौहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है। बेटे चाहे क्रियाकर्म कर दे, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी के आंख में न आएगा। तिरस्ना के बस में पड़ कर लोग आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मुंह और मरने से क्या डरना। एक यह नोहरी है और एक यह चमारिन है सिलिया, देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने, धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाले को तैयार। जवानी में यह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। वह पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के सौ सौ चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेती में भूसा तक न हुआ था। लोग झरबेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बुढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में ना ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रख कर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पिंसिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल इनको जमराज ही पेंसिन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हार जोतेगा क्या। लेकिन अपना कोई काबू नहीं, तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है।
जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया ना आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हस्ते 2 रुपये दे आया है। अगर होरी उसे वह रुपये दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते? माता दीन न दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी माँ, तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं? डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतना दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन उसी रुपये के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका, इस बभनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिप कर चाहे जितना कुकर्म करो कोई नहीं बोलता, प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधन बड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पराशचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो अब बेधर्म होकर ही रहना है। तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए? धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे? मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसके बांह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था, अब वह उनसे क्षमा दान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जात की हेटी, उसका क्या बिगड़ा? आज 10-20 लगाकर बिरादरी की रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकती। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया? वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती? घर में उसे कोई बांध तो ना लेता? देश माता दीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वह नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते? जरा देर पहले उसकी नजर में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदता ने सहृदता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रूपाली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी।
सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उसे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी, कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं है, उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है, फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा, अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था, गीदरों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके बादे किसान सरे शाम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पर गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे, सिलिया की बार न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवार खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूं सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई, वहां तो सब कुशल है। हाँ सब कुशल है, जी घबरा रहा था, सोचा चलो सबसे भेंट करती आऊं, दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई है, और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया, बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ चुरा लिया और रोब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी, तुम मेरे छोटे बहनोई हो यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसके कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिलो, इस वक्त कौन देखता है। क्या मैं सोना से सुंदर हूं, अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसी इंद्र की पड़ी पा गए, अब भौरा बनने का मन चला है, उसे कह दूं तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छेड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिलो, उसे न कहना, अभी जो सजा चाहो दे लो। सिलो को उस पर दया आ गई, धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे शरारत न करना, न और किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिलो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिलो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी। और जो करा तो तुम जो चाहना करना। सिलो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा,
किससे बातें करते हो वहाँ? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारों में खाट है, उस पर सुजनी का नरम बिस्तरा बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दिन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है, खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हुए हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरैल पर लौकी का बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही है। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो ने टूट कर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा, शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो, सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपमान समझती हो। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है, मुख पर घृणित्व की गरिमा के साथ युवती का साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्र मुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चिथरे लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है, गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करण फूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहां देखकर वो प्रसन्न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है, कहां सिलिया के गले में बाहें डाले घास छिलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसके गले लिपटकर जरा सी रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है, वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने की बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का शोर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम कीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी ही थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी, धरती क्यों नहीं फट जाती, क्यों उसमें समा जाए इतना अपमान। उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे, कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष, और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्प दंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असन्ना हो गया।
जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है यह वह भांप रही थी। वह बॉबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए इसके पहले ही वह वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी और सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। किंग कर्तव्य विमूट सा खड़ा था। उधर सिल्लो की सांसें टंगी हुई थी मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीष्म न था। हंसी दिलगी को वह बुरा न समझती थी। अगर खुले हुए रूप में हो, लुके छुपे की हंसी दिलगी को भी वह हे समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिया को पता लग जाता था कि वह दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तमाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वह अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था यह भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों को अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के कर्तव्य हैं, इसी को वह प्रेम समझती थी। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उसे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साठ गांठ होगी। मथुरा उसे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें सुन न ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर चुना, सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और वह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है, क्या वह उसे कुछ बोलने भी न देगा। उसने रोज से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, या यहीं पहरा देते रहोगे। मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरा चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपना गर्दन पर गड़ासा मार लूंगी। तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गड़ासा उठा लिया और उसे हाथ में उठा लिए। फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूं। क्रोध में मैं क्या कर बैठूं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सिलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीष्म संकल्प खेल रहा था मानो खून सवार। सोना ने उसकी ओर बर्छी किसी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छुपाया तो नहीं, अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाए। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी, उसे दांत क्यों नहीं काट लिया, उसका खून क्यों नहीं पी लिया, चिल्लाई क्यों नहीं। सिल्लो क्या जवाब दे।
सोना ने उन्मादनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथ से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, निरी बेसवा। अगर यही करना था तो माता दीन के नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपये लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपये की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूं कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते ना रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगाकर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही किंतु अपनी सफाई में कुछ सूझ न पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है, वह बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था, बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने फिर कुछ न पूछा। वही रूपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी, नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान, पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 29। धन्यवाद।